रियल घूमे किसी के प्यार में चल रहा हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर सभी के छपे हुए इंटरव्यू से इम्प्रेस होकर वाइस चांसलर, खासकर यहां पर ईशा मैम और वाइस चांसलर की एंट्री होने वाली है, जो कि यहां पर सभी के लिए न्याय उठाएगा। देखने को मिलने वाला है, पहले से ही ईशा ने इंक्वायरी मीटिंग बिठा दी है। वहीं पर देखने को मिलने वाला है कि जैसे ही सभी का ये इंटरव्यू आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स, सभी के फ्रेंड्स और यहाँ पर कॉलेजेस से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सभी लोग यहाँ पर सभी के लिए निष्पक्ष जांच की डिमांड कर देते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर तक और खासकर यहाँ पर वाइस चांसलर तक आवाज़ पहुँचती है और एजुकेशन मिनिस्टर पर दबाव बन जाता है कि सभी को अब न्याय दिलाना ही पड़ेगा। जिसके बाद देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर पहुँचेगा भोसले इंस्टीट्यूट और यहाँ पर सभी का साफ साफ जो है उसके साथ क्या हुआ है उसके बारे में सुनवाई की जाएगी और सभी को एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। और यहाँ पर देखने को मिलने वाला है कि जब तक यहाँ पर पूरी जांच नहीं हो जाती, एजुकेशन मिनिस्टर सभी को फिर से इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए और एग्जाम देने के लिए कहते नजर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी के लिए वहाँ पर जो एक न्याय की गुहार उठ चुकी होती है और यहाँ पर इतना दबाव बन जाएगा स्टूडेंट्स का कि इसलिए यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर ना कुछ कर पाएगा, ना ही भोसले इंस्टीट्यूट, और मजबूरी में ही सही यहाँ पर राव साहब को फिर से सभी को लाकर यहाँ पर देखने को मिलेगा एग्जाम देने देना पड़ेगा। तो देखने को मिलने वाला है कि ये इंटरव्यू किस तरह से सभी को न्याय दिलाता है।